तो उधर महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसा पहला राज्य है जहां एक दिन में 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं बीते दिन में 66,358 नए केस सामने आए हैं और जबकि 895 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन की संभावना भी बढ़ने लगी है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ते मामलों को लेकर के चिंता भी जताई है। भारत की परिस्थिति जरूर गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है बात चिंता की है, फिर भी सरकार, केंद्र सरकार अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम को लगी है। मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में या वैक्सीन के सप्लाई के बारे में, जब ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति इटली में थी, यूरोप में भी थी फर्स्ट वेव में, यूएस में थी फर्स्ट वेव में, चाइना में थी फर्स्ट वेव में, हम फर्स्ट वेव से के साथ अच्छी जंग किया है। अब सेकंड वेव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब परिस्थिति नियंत्रण में आने की कोशिश चल रही है। तो मुझे लगता है हम सभी ने अब सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और जो भी प्रयास, चाहे सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, या एनजीओ हो, उनके साथ हम सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए कि हमारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा बोझ हमारे सिस्टम के ऊपर है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी देश की बहुत बदनामी हो रही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब हमको दूर करना पड़ेगा, एक कलंक दूर करना पड़ेगा और फिर एक बार हिंदुस्तान को अपने जुने पुराने अंदाज में। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।